दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के बयान पर सियासत जो है गर्म हो चुकी है। मनोज तिवारी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि केजरीवाल पूर्वांचल के लोगों के प्रति नफरत भरा उनका रवैया है। दरअसल केजरीवाल ने बाहरी लोगों को लेकर टिप्पणी की थी, जिस पर पलटवार करते हुए मनोज तिवारी ने केजरीवाल को घेरा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी जी। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जिस तरीका के बयान अरविंद केजरीवाल ने दिया है कि 500 रुपए का टिकट लेके आते हैं और मुफ्त भर का इलाज करवा के चले जाते हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की जो घृणा है पूर्वांचलियों के प्रति और पर प्रांतियों के प्रति, जो दूसरे स्टेट के लोग जो दिल्ली रहते हैं, वो सामने आ चुकी है। और ये अरविंद केजरीवाल जी का असली चेहरा जो नफरत भरा है पर प्रांतियों के लिए, वो आ गया है। और इसके भारतीय जनता पार्टी इसको कंडेम करती है। ऐसी सोच बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दिल्ली के लोग और दिल्ली में रहने वाले जो बाहर स्टेट के लोग हैं, वो लोग ज़रूर अरविंद केजरीवाल को इसकी सज़ा देंगे। सबसे दुखद बात यह है कि ये सारा प्रकरण तब आया है जब इस समय बिहार बाढ़ में डूबा हुआ है, अस्पतालों में पानी भरे हुए हैं। क्या ऐसे में अगर कोई इलाज कराने दिल्ली आता है तो उसको मौत बांटोगे? और फिर 5 लाख रुपया का जो इलाज ले रहे हैं लोग फ्री में, आपका कलेजा क्यों फट रहा है? तो मोदी सरकार दे रही है। आपने तो दिल्ली के लोगों को 5 लाख का जो फ्री इलाज का योजना है, आयुष्मान योजना, वो तो आपने दिया ही नहीं दिल्ली को। तो दिल्ली के लोगों को नहीं है वो आयुष्मान योजना की सुविधा, वो यूपी के लोगों को है, बिहार के लोगों को है, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तरांचल, हिमाचल, इन लोगों को है। तो जब उनको केंद्र सरकार दे रही है तो आपका कलेजा क्यों फट रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन केसर के साथ मैं फराह खान, R9 TV दिल्ली।